व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। आखिरी 2 महीने बचे हुए सीए इंटर एग्जाम्स के लिए, तो कुछ ऐसी 5-6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखना है इस प्रिपरेशन के ड्यूरिंग और ये पूरे पूरे तैयारी करते वक्त, क्योंकि 2 महीने के अंदर आपके एग्जाम्स हो जाएंगे सीए इंटरमीडिएट के, जहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके 4 सब्जेक्ट्स हो। राइट, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 100% कोर्स कंप्लीशन आपको करना है, 100% कंटेंट को पढ़ के जाइएगा। एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। 100% कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। एक टेंटेटिव अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो 5 मार्च तक आपकी सारी चीजें, जितना भी आपका कंटेंट है पढ़ने का, वीडियोस है देखने का, क्लासेस करने का, आपके हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा आपकी चीजें नहीं जानी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी वाली चीज अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट्स हो, FM, कॉस्टिंग, टैक्स, इन सारे चीज़ों के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके साथ टैक्स के अंदर, तो आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि टैक्स के, देखो एक बहुत खास बात क्या हो जाती है, जब आप टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रोविजन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, रिविजन हो जाता है प्रोविजन्स का। तो आपने कैलकुलेट, मतलब आपने यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहिए। इनफैक्ट लॉ ऑडिट, ESSM और ECO के लिए ये भी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस की। जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को देखिए, RTP, MTP, PYQ को सॉल्व कीजिए। अगर मैं MTP के बात करूं, यार MTP के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वैसे ही PYQ के अंदर, वो वैसे ही RTP के अंदर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो MTP एक प्रकार से आप एक रिसोर्सेज में हटाई दो, लेकिन कुछ कुछ कभी कभार नए क्वेश्चन MTP में आ जाते जो वाकई अच्छे होते हैं। तीसरी वाली चीज, बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं कि एक ग्रुप के साथ साथ सेकेंड ग्रुप की भी तैयारी करते हैं। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, साथ साथ में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। हो सके तो, जस्ट एडवाइस दे रहा हूं, हो सके तो पहले एक ग्रुप के पूरे सब्जेक्ट्स निपटा दीजिए और उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट के, सेकेंड ग्रुप के तरफ मूव ऑन कीजिए। जब आप से, ताकि क्या होगा, जब आप सेकेंड ग्रुप पढ़ेंगे तो आप ग्रुप 1 को भी रिवाइज करते हुए साथ साथ में एक एक सब्जेक्ट को चल सकते हैं, है ना। तो ऐसी वाली चीज़ है, तो पहले एक बार अच्छे से ग्रुप 1 को फिनिश कर दीजिए और उसके बाद ग्रुप 2 को कीजिए। या मतलब दोनों में से आपका जिस भी ग्रुप के ऊपर जबरदस्त वाले कमांड है वो ग्रुप को सबसे पहले फिनिश कीजिए और उसके बाद फिर अगले वाले ग्रुप के ऊपर जाइएगा। एटलीस्ट 3 रिविजन्स आपकी चाहिए, कम से कम 3 रिविजन्स आपने यहां पे करना है, तब जाके यहां पे बात बनेगी। मिनिमम जब 3 रिविजन्स आप करेंगे सीए इंटरमीडिएट का, तब जाके आपको चीजें रिकॉल होंगी, आप लिख पाएंगे, आप पेपर में प्रेजेंट कर पाएंगे आंसर्स को, ऐसी वाली बात यहां पे रहने वाली है। 5th वाली चीज है टेस्ट सीरीज दीजिएगा। यार बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि यार मैं एक और रिविजन कर लेता हूं, टेस्ट सीरीज नहीं देता हूं, ऐसा बिल्कुल ना करियो। आपने टेस्ट सीरीज देना ही है, कुछ भी करो आपने टेस्ट सीरीज बिल्कुल देना है। टेस्ट सीरीज कम से कम कितनी देनी चाहिए, तो 2 टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। पहली टेस्ट सीरीज से आपको समझ में आता है कि आपके गलतियां कहां पे हो रही है, आपकी एरर्स कहां पे हो रहे हैं, और उन गलतियों को फिर आप सेकंड वाले टेस्ट सीरीज में सुधार सकते हो, ठीक है, ताकि जब आप तीसरी वाली चीज, जब आप मेन एग्जाम्स दोगे ना, तो आप वो गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, मेन एग्जाम्स आपके लिए यहां पे क्या बन जाएंगी, टेस्ट सीरीज बन जाएंगी। तो ऐसे केस के अंदर ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी तरीके से पूरे टेस्ट सीरीज के पेपर को दीजिए, 2 अच्छी मतलब 2 बढ़िया पेपर्स देने चाहिए। यहां पे मैं ऐसा भी कहूंगा कि इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करती है, तो जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट कर रही है ना, आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स को बढ़िया तरीके से दे आ सकते हैं। 2 टेस्ट सीरीज होती है वो भी चीज के रिगार्डिंग, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, इस चीज का बढ़िया तरीके से सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद RTP MTP PYQ को सॉल्व करिए यार, RTP MTP PYQ को कम से कम 2 साल के आपको सॉल्व करना है, मतलब 4 अटेम्प्ट के, कितने 4 अटेम्प्ट के RTP MTP PYQ को सॉल्व कीजिएगा। MTP एक प्रकार से RTP और PYQ में ही कवर हो जाते हैं, लेकिन RTP और PYQ तो आपने सॉल्व करके जाना ही चाहिए। अरे एकदम जब मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी सारी चीजें हो जाती है, आपका मतलब बढ़िया तरीके से सारी चीजें हो जाती है। और एक लास्ट पार्ट लिखना भूल गया, अमेंडमेंट्स को यार अच्छी तरीके से कवर करके जाना है ना।
जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से कवर करके जाना, ऐसे हो गया, एएस हो गए, फिर उसके बाद अगर मैं कॉस्टिंग की थ्योरी हो गई, ऐसे जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं ना इसके ऊपर वेटेज है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते ऐसे कोई भी टॉपिक्स को, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर मुश्किल हो जाती है, राइट। तो ये वाली पूरी पूरी चीज़ें होती है यार। तो ये सारे चीज़ों का आपने बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, सारे चीज़ों को बढ़िया तरीके से फॉलो करते हुए चलिएगा, एक पेपर पर नोट डाउन करके, जॉट डाउन करके रखिएगा सारे चीज़ों को, और इसे अपने प्रिपरेशन के अंदर आप जरूर से इंक्लूड कीजिए। चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना ही। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि आप अनअकैडमी के ऊपर मुझसे सीए इंटरमीडिएट का लॉ कवर कर सकते हैं और ऑडिट भी प्लस या आइकॉनिक का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सेम चीजें आइकॉनिक में। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहाँ पे आईजी सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अलग अलग मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। खास बात ये होती है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की कि आप एक सब्सक्रिप्शन के अंदर पूरे 8 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, राइट। और एक सब्सक्रिप्शन जैसे अगर मान लीजिए आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे अलग अलग आप यहाँ पे अलग अलग मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए। तो एक मतलब ऐसी चीजें आप कवर, जैसे अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सीए इंटरमीडिएट का जो लगभग 22,000 का होता है, तो 22,000 में आपके ना 22,000 में आपके 8 सब्जेक्ट कवर होते हैं, तो मतलब एक सब्जेक्ट की कॉस्ट लगभग 2,000 समथिंग कुछ आपको पड़ती है ना। तो ऐसी वाली चीज होती है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, आप चाहे उतने बार वीडियोस को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, हज़ार बार देख सकते हैं, ऐसी वाली चीज़ है। फॉलो कीजिएगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।